सभी को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं जयंत पटनायक, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तबला सोलो में पेशकार बजाने के बाद बारी आती है कायदा की, और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा, इससे मेरी जो भी वीडियो होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो आइए आज के लेसन पे बात करते हैं, कायदा के रूल्स क्या होते हैं सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। अब वर्ड है कायदा, जिसका अर्थ होता है नियम, यानी कि रूल। किन्हीं भी बोलों को एक नियम के साथ बजाना वो कायदे का महत्वपूर्ण रूल है। हर कायदे में खास प्रकार के ही बोल होते हैं और कायदे के पलटे उन्हीं बोलों पे बनाए जाते हैं। इनमें हम किन्हीं भी अलग बोलों को ऐड नहीं कर सकते, हमें उन्हीं बोलों को लेकर आगे पलटों का विस्तार करना होता है, और तिहाई भी उन्हीं बोलों को लेकर बजाई जाती है। इसका सबसे बड़ा नियम है, जिस बोल का कायदा होता है विस्तार उन्हीं बोलों का किया जाता है, और तिहाई में भी वही बोल इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये है कायदा। अब तबला सोलो में पेशकार बजाने के बाद कायदे की बारी आती है। अब पेशकार में वादक अपनी समझ और लयकारी का परिचय देता है, और कायदा में वो अपने हाथ की तैयारी और गुरुजनों से सीखा हुआ ज्ञान वो सब ऑडियंस के सामने पेश करता है। तो आइए कुछ कायदा डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं एक बराबर लय का ही कायदा आपसे डिस्कस करता हूँ। इस कायदे के मुख्य बोल हैं तिरकिट धिटत। ये तिरकिट धिटत का कायदा है। इसके बोलों को स्लो में मैं आपको बता देता हूं। पहले से स्टार्ट होगा नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर भी आपको बता दूंगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, और याद करके आप अपने ढंग से बजाइए। अब इसके आगे पलटे भी देख लेते हैं। अब कायदे के पलटों में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो कायदे के बोल हैं, जो कायदे के मुख्य बोल हैं, वही पलटों में बार बार सुनाई पड़ने चाहिए। जैसे इसमें तिरकिट धिटत के बोल हैं, तो जो भी पलटों का विस्तार होगा ये एक पोइम की तरह होता है। तो सबसे पहले एक स्थाई बनाई जाती है, जिस प्रकार ये कायदे के मुख्य बोल हैं उस प्रकार उसी स्थाई के अनुसार पूरी पोइम या पूरे पूरा गीत लिखा जाता है। उसी तरह ये कायदे के मुख्य बोल हैं, उन्हीं मुख्य बोलों को आधार में रख के उस पे ही सारे पलटे बनाए जाते हैं। जैसे इस कायदे के मुख्य बोल हैं तिरकिट धिटत, तो सारे पलटे तिरकिट धिटत को लेके ही बनाए जाएंगे। पहला पलटा बनेगा 1, 2, 3, 4। मैं नीचे लिख के भी आपको बता रहा हूं, आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसका दूसरा पलटा कैसे बन सकता है, 2, 3, 4। तो ये हो गया दूसरा पलटा। इस प्रकार आप तीसरा पलटा भी बना सकते हैं। तो
6-7 जितने भी चाहें उतने पलटे बना सकते हैं। इसके बाद तिहाई भी इन्हीं बोलों को आधार पर रख के बनाई जाती है, तो इसकी तिहाई क्या बन सकती है? 1, 2, 3, 7। सोलो में अगर आपके पास समय ज्यादा है, आपकी 1 घंटे की परफॉर्मेंस है, तो आप 2 या 3 कायदे भी अच्छे बड़े वाले कायदे बजा सकते हैं। तो अब एक कोई दूसरा कायदा डिस्कस कर लेते हैं। 1, 2, 3, 7। तो इस कायदे में उल्टी तिट बजती है, पहले फर्स्ट फिंगर से, उसके बाद ट का बोल सेकंड फिंगर से बजता है। तो ये तिट धाती धागेना धागेना तिट धागेना, इन बोलों का कायदा है। आपको पलटे बनाते हुए इन्हीं बोलों को ध्यान में रख के पलटे बनाने होंगे। तो इसको एक अच्छी टेम्पो पे बजा के देख लेते हैं। 1, 2, 3, 7। सही बैठे वो पलटे आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार 4, 5, 6 जितने भी आप चाहें उतने पलटे बजाने के बाद इसकी एक अच्छी सी तिहाई बना सकते हैं। 1, 2, 3, 7। तो ये 2 कायदे हो गए। इसके बाद आप जितने चाहें 2, 3, 4 कायदे इस जगह पे बजा सकते हैं। तो तबला सोलो में कायदों के लिए पेशकार के बाद ये जगह सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि पेशकार एक विलंबित वाला, एक बहुत ही प्यार से चलने वाली चीज, तो उसके बाद थोड़ा बाज वाला यानी कि जिसमें अच्छा बजा सकते हैं वो अंग आ जाता है, जिसमें कायदे वगैरह सब हम बजाते हैं। उसके बाद जो तीसरी स्टेज आती है वो है रॉ कायदा या रेला कायदा या गत कायदा, वो मैं अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला लेसन अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिएगा और नीचे लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।